Click the subscribe button and press the bell icon to never miss a video from Juice Talks. बचपन जैसे कि मैक्सिमम भारतीय क्रिकेट खेलना पसंद करते, मैं भी क्रिकेट का शौकीन था। बस एक दिन बड़े भाई ने समझाया कि कोई इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए मुझे। बस जब से शुरुआत हुई बढ़ता चला गया। स्कूल टाइम में वन एक्ट प्ले वगैरह ये सब चीज़ें करने का शौक था। एक तरफ वन एक्ट प्ले थे, इस तरफ बॉक्सिंग थी, फिर बॉक्सिंग की तरफ रुझान ऐसा हुआ कि बस दर्द में मज़ा आने लगा। जब मैंने शुरुआत की थी बॉक्सिंग की तो मेरा पहला टूर्नामेंट रोहतक वेस्ट कॉलेज में था और मैंने गुड़गांव की तरफ से पार्टिसिपेट किया था और गुड़गांव से ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। और मैं पहली बाउट, मेरे कॉम्पिटिशन के पहला कॉम्पिटिशन स्टेट लेवल का, और पहली बाउट में हार गया था। अगर मैं सोचता कि मैं रह जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो कुछ नहीं हो पाता। हिम्मत की, जो हिम्मत कर लेता है और साथ के साथ भाग्य भी जिसका साथ देता है, मैं भाग्य को भी मानता हूँ, कर्म भी मानता हूँ। कर्म के बिना भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य के बिना कर्म साथ नहीं देता, मेरी सोच ये है। तो कर्म भी करना चाहिए और भाग्य को ठीक करने के लिए टाइम टाइम पर परमात्मा नाम की जो शक्ति है उसका भी अनुसरण करना चाहिए। बीजिंग ओलंपिक 2008 में वर्ल्ड चैम्पियन को हरा कर मैं क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया था। सबको ये लगता था कि भाई अब अखिल कुमार गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा, क्योंकि फर्स्ट बाउट में फ्रांस के बॉक्सर थे, वर्ल्ड मेडलिस्ट थे, वो भी एथेंस ओलंपिक पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। और जो क्वार्टर फाइनल, जो मतलब उसके बाद जो क्वार्टर बाउट थी मेरी, वो वर्ल्ड चैम्पियन था रशिया का बॉक्सर। और सबसे बड़ी बात ये थी, वो कभी हारा ही नहीं था, जब तक मेरे साथ नहीं खेला तो उससे पहले कभी हारा ही नहीं था। जूनियर का वर्ल्ड चैम्पियन था, सीनियर लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियन था। और उसके साथ जब मेरा मुकाबला हुआ तो मुझे पता नहीं क्यों, जब मैंने उसकी वीडियो देखी कि हाँ यार मैं इसको हरा दूंगा। मुझे आज भी याद है, जब मैं रात को, मुझे वेट मेंटेन करने की आदत है या कहूँ कि प्रॉब्लम रही है, तो रात जब हम भूखे रहते हैं तो शायद आप लोगों में कोई ना कोई भूखा रहा होगा। भूखे रहने का मतलब हम वेट मेंटेन करने के लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट घटाते हैं। कि मैं 54 केजी में खेलता था, उस टाइम फैट परसेंटेज वगैरह बहुत ही कम थी, तो वो मेंटेन करने के लिए नींद नहीं आती थी। जब पेट में कुछ नहीं हुआ तो नींद नहीं आती। और जब मैं क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया उसको हरा के, तो मुझे चिंता हुई अपने मम्मी पापा की कि वो रोहतक में थे। और बहुत ज़्यादा उस टाइम जो मुझे फीडबैक मिलता था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी और उम्मीदें बढ़ी जाती हैं, तो मुझे इस चीज़ का डर था कि कहीं उनको कुछ ना हो जाए। तो मैंने अपने दोस्तों को कॉल की थी कि पता नहीं क्या होगा रिजल्ट का, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कर्म के साथ मैं भाग्य में विश्वास करता हूँ। तो मुझे नहीं पता था हारूंगा जीतूंगा, लेकिन हाँ भाई कॉन्फिडेंस था, खेलूंगा ना। मेरा हमेशा एक ही लक्ष्य रहा है, मैं हारूं चाहे जीतूं, कि जब मैं रिंग से उतरूं ना तो मतलब मेरी पीठ थपथपाई जाए, कोई ये ना कह दे यार उसने अपना पूरा जोर नहीं लगाया। चाहे वो मैं हार गया ओलंपिक की बाउट, जो मैं किस्सा, जो आप किस्सा कह रहे थे, बस यही बात थी कि मुझे डर था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए मेरे घर में। प्रॉब्लम का मतलब कि कुछ जैसे उम्मीद हो जाती है भाई, कुछ अटैक, हार्ट अटैक या फिर कोई चीज़ ऐसी फील ना हो कि घर से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, खासतौर पे मम्मी पापा से, मतलब वो चिंतित था इस चीज़ के लिए। तो मेरी आदत ये रही है कि मैं आगे बढ़ता रहना चाहता हूँ, कि जो बीत गया बीत गया, मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ पे घुस, मतलब रोते रहें, पीटते रहें। सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और मेरी हमेशा सोच यही रही है कि मैं कुछ भी करूं, बढ़ता रहूं। एक एक दिन जो बीत रहा है हमारा, एक एक सेकंड जो बीत रहा है हमारा, वो ख़त्म ही हो रहा है। तो बैठ रहे हैं अच्छे समय के लिए, कोशिश करते रहें। और शायद आपको लाइन भी सुनाई थी उस टाइम मैंने, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वो भी सही। तो मतलब खाली खाली लाइनें पढ़ने से और तालियां मारने से बात नहीं बनती, बात बनती है उसको समझने के लिए कि यार इसने डायलॉग मार दिया, तालियां मार दो, वो चीज़ नहीं है। अगर आप ताली मार रहे हो उस चीज़ के ऊपर, तो उस चीज़ को अपने अंदर उतारने की कोशिश करो कि रियल में है चीज़ क्या।
मेरी प्रेमिका थी, अब मेरी वाइफ है, तो उन्होंने मुझे बताया था सपने वो नहीं होते जो हमें सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते हैं। उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था ये श्री अब्दुल कलाम आज़ाद जी की लाइन है। और जब ओलंपिक में मैंने ये यूज़ की तो कई जगह ऐसा हुआ कि जैसे अखिल ने ही बना दिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर रियल में कोई लाइन या कोई पंक्ति या कोई कविता अगर आपको अच्छी लगती है तो उस चीज़ पर अमल करो। ये नहीं पढ़ के छोड़ दिया यार ये कहानी ऐसी है। बॉक्सिंग मेरे लिए सब कुछ है, पूजा की है मैंने उसकी और अब भी कर ही रहा हूँ। जो कुछ हूँ आज मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूँ बॉक्सिंग की वजह से कर पा रहा हूँ। अगर मैं बॉक्सिंग नहीं खेलता नहीं करता तो कुछ भी नहीं था। मेरा वजूद जो कुछ हूँ मैं आज बॉक्सिंग के कारण ही हूँ। और मैं चाहूँगा जब तक हूँ मैं, मतलब इस पृथ्वी पर हूँ, जिंदा हूँ, मैं बॉक्सिंग से जुड़ा रहूँगा किसी न किसी माध्यम से। जब तक खेल सकता हूँ खेलूँगा, नहीं तो उसके बाद और जो काम है चाहे वो किसी बॉक्सर को प्रोड्यूस करना हो, ज्ञान बांटता रहूँगा। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। शकल ही ऐसी है ये, बस बीजिंग ओलंपिक जब मैंने क्वालिफाई किया था तो मैंने ये लुक अच्छा, मतलब मैं चाहता था पूरी तरह से ढल जाऊँ उस रूप में कि लंबे लंबे बाल, आँखों पे आए बाल, और फिर वो लुक नहीं आता था मतलब बॉक्सर का, मतलब सामने वाला देखे तो फील तो ले हाँ यार बॉक्सर है। उसके बाद मैंने मतलब अपने, अगर आप इंटरनेट पे कहीं सर्च करोगे शायद बीजिंग ओलंपिक क्वालिफाई के बाद मेरी एक आधी पिक मिल सकती है आपको जिसमें बाल थे। उसके बाद मैंने बिल्कुल बोल्ड रखे हैं, फिर मैंने नहीं बढ़ाए और फिर अब थोड़े कम हो गए तो भैया यही स्टाइल हो गया, आइडेंटिटी यही बन गई है। मैं आपसे यहाँ बात करने किस लिए आया हूँ, अपने प्रचार के लिए नहीं आया हूँ, मैं बॉक्सिंग के लिए आया हूँ। क्योंकि अगर आज मैं बॉक्सिंग की बात करता हूँ, अखिल कुमार बॉक्सर या बॉक्सर अखिल कुमार, तो बॉक्सिंग का प्रमोशन हो रहा है, ये बात समझने वाली चीज़ है। मैक्सिमम मीडिया बात करना चाहती है, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या बात करते हो। अगर कोई अचीव करके बात करता है तो प्रमोट तो उसका खेल ही हो रहा है। मैंने इसलिए कभी किसी को मना नहीं किया जिसने मुझसे बात की, नंबर भी एक ही रखा है भाई, बदला नहीं है मैंने। तो जिसने भी मुझसे बात की मैंने आराम से खुल के बात की बॉक्सिंग के लिए, ताकि जिस, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी बॉक्सर बॉक्सिंग के बारे में बात करता है तो बॉक्सिंग का प्रचार अपने आप ही हो रहा है। वो आज मैं आपके शो में बात कर रहा हूँ तो अखिल कुमार बात नहीं कर रहा, बॉक्सर अखिल कुमार कर रहा है, तो बॉक्सिंग का प्रचार तो हो रहा है कि हाँ यार बॉक्सर भी ऐसे बातें कर सकता है, इस तरीके से डेमो दे सकता है या फिर आप लोगों को हैंडल कर सकता है। अगर हम बात करें तो हर एक जितने भी गेम्स हुए हैं सबके अंदर मेडल है, और कैसे बढ़े ये डिपेंड करता है कि हम हमारे खेल के अंदर और मेडल पदकों की संख्या कैसे बढ़ाएं। एक साइंटिफिक शब्द आता है, सुना बहुत है मैंने वो, लेकिन उसकी कमी झलकती है कि हम किस तरीके से साइंटिफिक, साइंस का बहुत बड़ा रोल है, हम क्या खा रहे हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या रिकवरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जितनी अच्छी होंगी हमारी उतने पदक होंगे। मुझे याद है पहले ये कहते थे कि यार पहलवाना का तो, पहलवाना की लाइफ होना तो बुढ़ापे में तो भाई तंग करते हैं, बस घुटने तो बोलते हैं, मतलब कि उनके घुटने खराब हो जाते हैं, उनका बुढ़ापा दुखदाई होता है। वो कारण क्या है, उस कारण के ऊपर किसी ने नहीं देखा कि हमारे जो मैक्सिमम एथलीट हैं वो क्यों दुखी होते थे। क्योंकि जो प्रॉपर तरीके से क्या एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से रिकवरी करनी है, हम लोगों को हार्डवर्क का पता था लेकिन स्मार्ट वर्क का नहीं पता था। मैं भी उनमें से हूँ जिसकी वजह से मैं तंग हूँ। अब जो तंग होने का मतलब ये है कि भाई पेन जब आते हैं तो यादें आती हैं, यार मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी क्या नहीं की थी। अब कब पता लगी वो चीज़ें, जब हमने एक्सपर्ट से हमने काम किया, एक्सपर्ट के साथ, एक्सपर्ट जो ट्रेनर हैं उनके साथ काम करके जब हमें महसूस हुआ कि यार हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं।
चाहे वो डाइट को डाइट के ऊपर हो, चाहे वो एक्सरसाइज के ऊपर हो, चाहे वो टेक्निक या टैक्टिक्स के ऊपर हो। नो पेन नो गेन एक स्लोगन हुआ करता, मुझे बड़ा पसंद आता था कि यार नो पेन नो गेन। दर्द तो होता था भाई, बॉक्सिंग है तो कभी नाक पे लग रही है, नाक भी टेढ़ी है, अगर ध्यान से देखोगे नाक टेढ़ी दिखाई देगी मेरी मेरी क्या लगभग सबकी दिखाई देगी ढंग से अगर आप फोकस करोगे। अब मैंने बोल दिया तो शायद आपका फोकस आ जाए तो दिखाई देने लग जाए उससे पहले नहीं दिखाई दे रही होगी। तो तो जो हमने मतलब गलतियाँ की वो कैसे सुधर सकती हैं? साइंटिफिक तरीके से ही सुधर सकती है। जब तक इन चीज़ों का विकास नहीं होगा, मैक्सिमम हमारे कोचिज, मैक्सिमम हमारे जो प्लेयर हैं, मुझे लगता है सबने आर्ट ही ली होगी, मैक्सिमम जितने भी हैं आर्ट के ही होंगे। मैं भी आर्ट का स्टूडेंट रहा हूँ तो, और पूरा अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ देखें तो पूरी बायोलॉजी है। मुझे भी नहीं पता था भाई ग्लूट क्या होते हैं, हैमस्ट्रिंग क्या होती है, क्वाड्रिसेप क्या होती है, हमें भी नहीं पता था। हम भी यही कहते थे भाई सात तल है, कुल्ले हैं, तो ये बातें होती थी। फिर उसके बाद पता लगा कि भाई काफ भी, जो पिंडी पिंडी बोलते थे जिन्हें काफ को, यार ये भी स्ट्रॉन्ग हो, इनकी भी एक्सरसाइज है। अच्छा फिर हैमस्ट्रिंग, इनकी भी एक्सरसाइज हो, यार हम तो मतलब पूरा प्रॉपर एक शेड्यूल जब तक नहीं होगा ना, चाहे वो डाइट का हो चाहे वो एक्सरसाइज का हो, जब तक कामयाबी मिलनी बहुत मुश्किल है। कोचिज भी अपग्रेड होने बहुत ज़रूरी हैं, स्पोर्टिंग स्टाफ है वो भी अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, और हम वही पुराने उस पर ही चल रहे हैं। सबसे बड़ा कारण मुझे तो ये लगता है हमारे एथलीट, मैंने वर्ल्ड के जो टॉप कंट्री है, मैंने उनके साथ मतलब उनकी कंट्री में जाकर ट्रेनिंग की, उनकी ट्रेनिंग देखी भी है, हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो स्मार्ट वर्क रह जाता है बस। मैं ये सोचूं, अगर चिंतन करूं कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो शायद हो सकता है कि मेरे अंदर जो एनर्जी थी, थोड़ा शरारती भी था, शायद उसको डाइवर्ट करने के लिए मुझे भेज दिया कि मैं बॉक्सिंग खेलना स्टार्ट कर दूं कि, लेकिन वो धीरे धीरे वो मतलब गया था शुरुआत में ऐसे ही, वो जुनून में बदल गई। आज के टाइम में कोई भी माता पिता है वो भेजता है तो वो टारगेट के साथ भेजता है। मेरे खानदान में नहीं खेल कोई स्पोर्ट्स पर्सन था, तो उनको क्या पता होगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं। तो मैं भाग्य मृत्यु कर्म जैसे मैंने पढ़ा भी था, आपको तो पता ही है मैं पढ़ता रहता हूँ थोड़ी छोटी चीज़ें, डिग्री वाली चीज़ें नहीं काम की चीज़ें, कि जब मैंने पढ़ा था मनुष्य जब गर्भ में होता है तो उसके मृत्यु कर्म भाग्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो शायद मेरा कर्म मेरा भाग्य निर्धारित था, जैसे मैंने पहले भी कहा था मैं कर्म और भाग्य दोनों चीज़ों में विश्वास करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भाग्य के भरोसे बैठा रहूँ कर्म ना करूँ, और ऐसा भी नहीं है कि कर्म करके मैं भाग्य के भरोसे ना रहूँ। जो कई बोलते हैं ऐसे नहीं भाग्य कुछ नहीं होता है सब ऐसा, बड़ी बड़ी बातें अंदर से वो भी मानते हैं, कई हैं भगवान कुछ नहीं होता और चाहे साइड में करके निकलते चले जाएँ, ऐसे बहुत सारे यार छोड़ यार। तो चमची नहीं मारता, चमची बोलते हैं तो चमची नहीं मारता, हाँ रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ, आदर जरूर करता हूँ। मुझे बॉक्सिंग के अलावा कुछ आता नहीं ना, तो मैं छोड़ के जाऊँ कहाँ? मेरा कंफर्ट जोन मुक्केबाजी है, मैं कैसे चला जाऊँ? कमबैक की बात कर रहे हो, बस वो जब पहले एज थी 34 तक, मैं मतलब लंदन ओलंपिक तक 31 का हो गया था, तो ये हुआ कि भैया अब तो ख़त्म है, कोई चीज़ है ही नहीं। अब आईबन है 40 ईयर कर दी बॉक्सिंग कि आपकी एज लिमिट बढ़ा दी, तो बस यार अभी तो है दम और वापस आना चाहिए, तो ट्राई करने लगा। और ना तो है ये, एक दिन तो सबने मतलब छोड़नी है। और ये बड़ा बेहुदा क्वेश्चन लगता है मुझे जब ये करते हैं ना लोग कि भाई कब छोड़ोगे, कब तक खेलेगा? यार तुमसे पूछ के कोई शुरू की थी, अब तुम बताओगे पंच मैं खा रहा हूँ, दर्द मुझे हो रहा है, शरीर की ऐसी ऐसी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर भी कब छोड़ेगा यार, कब तक खेलता रहेगा? छोड़ दे यार, अब तो सब कुछ हो गया, डीएसपी हो गया, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ सही है, छोड़ दे। अरे यार निरंतर आगे बढ़ते रहना है।
अब जैसे जो कोट की बात कर रहा था अब्दुल कलाम जी की, जो सपने वो नहीं होते जो हमें सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें चैन से सोने ना दे। यानी कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो, आगे बढ़ो। ट्विटर पे भी मैंने लिख रखा है एक, मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी थी, शायद पढ़ी हो आपने, कि आप सपनों को जिंदा रखिए, सपने आपको जिंदा रखेंगे। तो मैं मुझे तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात, मैंने उसकी ना कवर पेज बना दिया उसका। फिर उसको सोचने की ज़रूरत है, कौन से सपने, लड़की वाले सपने नहीं भाई। सपने एक लक्ष्य हो, टारगेट हो, जो देश के लिए भी हो, समाज के लिए भी हो, अपने परिवार के लिए भी हो और अपने लिए भी हो। आप देश, समाज और परिवार के लिए करते हो तो ये लगा लो आप अपने लिए अपने आप कर रहे हो। डिपेंड करता है कि आपको खुशी किस में मिलती है। मुझे उस चीज़ में खुशी मिलती है कि मैं कुछ करूं, जैसे कमबैक। अगर मैं कामयाब हो जाता हूं, मेरे हिसाब से मैं हूं कामयाब। एक स्पीच सुन रहा था, हम कामयाब हैं, जिस दिन से हम पैदा हो जाते हैं तो कामयाबी हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। हम पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, हम जॉब कर रहे हैं, जो एक एक दिन हमारा बीत रहा, हम कामयाब हैं, हम नाकामयाब नहीं हैं। पता नहीं कैसे लोग सोच लेते हैं कि हम कामयाब नहीं हैं। एक क्लास से दूसरी क्लास में चले गए, नेक्स्ट में चले गए, तो हम कामयाब हैं। किसको इंटरेस्ट है इस चीज़ का? है किसी को इंटरेस्ट? मेरा हाँ ये हो गया था, मैं ऐसा था, वैसा था, मैं भूखा रहता था। मुझे तो बड़ी अजीब अजीब लगती हैं यार। सभी हर कोई संघर्ष करता हुआ है। अब रामलिंकन के बारे में पढ़ता था कभी मैं, तो उसमें वो भी लाइट में पढ़े होंगे, तो अब वो गाते फिरे हैं कहीं कि भाई मैं वहाँ पढ़ता था, मैं राष्ट्रपति बना दो मुझे। तो मेरी सोच इस तरीके की है। मतलब सोच का बहुत बड़ा डिपेंड करता है। मैं खड़ा हो गया, मेरे पास ये नहीं था, मैं पैदल जाता था, ऐसा किया मैंने, वैसा किया, तो मैं तो मतलब क्या बताऊँ इस चीज़ के बारे में। ये संघर्ष बताना हुआ क्या? अगर रियल में आपको संघर्ष देखना है तो उतर के देखो ना मैदान में, आपको खुद एहसास होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो महान विभूतियाँ हुई हैं अपने देश की, स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी सरस्वती हैं, इनके बारे में ढंग से पढ़ा जाए तो बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा। जो आप स्टडी कर रहे हो थोड़ा सा टाइम, जो नैतिक मूल्य की बात हुई थी हमारी, ईमानदारी, स्वाभिमान, जो बड़े बड़े शब्द थे वो लुप्त होते जा रहे हैं। अगर हम इन लोगों को थोड़ा पढ़ेंगे ना तो जानकारी भी बढ़ेगी, अच्छे शब्दों का प्रयोग भी होगा और जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। युवा कौन है, युवा क्या है? मैं भी सोचता रहा कई बार, तो जब तक मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी थी कि युवा है क्या। मैं सोचता था भाई युवा तो वो है जो पानी में भी आग लगा दे। सच में युवा वो है जो पानी में भी आग लगा दे, पर उसे पता हो कि आग लगानी कहाँ है। वह युवा है, मतलब युवा का एक गुण तो ये हो गया कि वो कुछ भी कर दे, लेकिन उसको पता हो, उसका मार्गदर्शन, मतलब उसका एक विजन हो कि करना क्या है उसे, युवा वो है। तो मैं तो यही चाहूँगा, इन लोगों के बारे में पढ़ें। बहुत सारी बुक ऐसी हैं जिनके बारे में पढ़ के आप ज्ञान ले सकते हो। और जो मैं जिस सांस्कृतिक प्रोग्राम में गया हुआ था, तो एक तरफ राइट साइड पे मेरे स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगी हुई थी और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण जी की। अगर इनकी जीवनी और गीता जो भगवान श्री कृष्ण जी ने के कारण हमारे पास आई या महाभारत के कारण आई, अगर उन दोनों चीज़ों को सही ढंग से पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। नैतिक मूल्य, राजनीति, हर एक चीज़ सारी सोल्व हो जाएंगी। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.